हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप इन्हें बोर्ड्स में जाने से पहले अगर एक बार देख लेंगे तो आपको गारंटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन क्या है, सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द स्पॉनिफिकेशन ऑफ, ये साबुन जो बनाए जाते हैं वो किसके स्पॉनिफिकेशन से बनाए जाते हैं, किसके सामूहिकरण साबुनीकरण के द्वारा बनाए जाते हैं, एल्कोहल, सिंपल एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड या ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड के स्पॉनिफिकेशन से साबुन बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेन इज, यानी ब्यूटेन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, इनमें कार्बोक्सिल, कीटोनिक, एल्डिहाइड या एल्कोहलिक। तो आपको याद रखना है कीटोनिक होता है उसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जाइमेज, मेल्टोज, डाइस्टेस या इन्वर्टेज। तो आपको याद रखना है जाइमेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज, सबसे पहले लेबोरेटरी में जो बनाया गया सबसे पहला कंपाउंड था वो कौन सा था, मीथेन, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, यूरिया। तो यूरिया। नेक्स्ट है द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CHO, CH3CHO का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन दिए होंगे आपको एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड या इथेनॉल। तो आपको याद रखना है इसका नाम है इथेनॉल। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है उसमें कितना परसेंट एथेनॉल होती है, 50%, 80%, 95%, 42, 50। तो आप कह रहे हैं 95% एथेनॉल होती है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एल्केलिन KMnO4 सॉल्यूशन इज, यानी KMnO4 का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, यानी कि एल्केलिन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का जो डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है इसे। नेक्स्ट है द बाई प्रोडक्ट इन सोप इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, आइसोप्रोपेन, एथिलीन ग्लिसरॉल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल या फिर ग्लाइसरॉल या ब्यूटेन। तो याद रखना है आपको ग्लाइसरॉल। नेक्स्ट है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ सोप इज, इनमें से सोप का एग्जाम्पल क्या है, C15H31CWNA, CH3CWNA, C6H5CWNA या C17H35CWNA। तो आपको याद रखना C15H31CWNA होता है साबुन का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल, यानी कि इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 4, 6, 8, 10। तो आपको याद रखना है 6 होते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एसिटिक, यानी एसिटिक एसिड का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, इनमें से गुलाब के जैसा, बर्निंग प्लास्टिक जैसा, विनेगर जैसा, केरोसिन जैसा। तो याद रखना है आपको विनेगर जैसा। नेक्स्ट है डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि ये वेरी हार्ड है या इसकी स्ट्रक्चर वेरी कॉम्पैक्ट है या फिर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है या फिर इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यही इसका आंसर है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है एल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ, एल्कोहल जो बनाई जाती है वो किसके हाइड्रेशन से बनाई जाती है, एल्कीन से, एल्काइन से, एल्केन से या एसिड से। तो याद रखना है एल्कीन से। आईयूपीएसी नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इन ऑफ कीटोनिज, होमोलोगस सीरीज जो होती है मतलब कीटोन की, उसमें पहले मेंबर का नाम क्या है, एथिनॉन, मेथिनॉन, प्रोपिनॉन, ब्यूटेनॉन। तो याद रखना है प्रोपिनॉन। नेक्स्ट है एन अननोन कंपाउंड हैज द स्मेल ऑफ विनेगर, यानी विनेगर जैसी जो स्मेल होती है वो किसकी होती है, एसिडिक एसिड की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका वन ऑफ द बटर एंड ग्राउंडनट ऑयल विच इज अनसेचुरेटेड इन नेचर, भाई बटर ऑयल, सॉरी बटर या फिर ग्राउंडनट ऑयल जो होता है इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड माना जाता है नेचर में। तो याद रखना ग्राउंडनट ऑयल को। नेक्स्ट आपका विच हैज
ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? तो आपको यह पता होगा एल्किन एल्किन और एल्काइन, सॉरी एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन थर्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें C3H4 जो है वो क्या होगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज एडेड फॉर द डी नेचुरेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, यानी कि डी नेचुरेशन जब किया जाता है एथिल एल्कोहल का, तो कौन सी सब्सटेंस को यूज किया जाता है? मेथिल एल्कोहल को। नेक्स्ट है, विच आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हार्ड, भाई कौन से ऐसे आयंस होते हैं जो वाटर को हार्ड बनाते हैं? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, जो वाटर को हार्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6H, ये जो C2H6 जो बन रहा है इसका, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? 6, 7, 8 या 9? तो याद रखना है 7। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ब्यूटेनॉन इज अ 4-carbon कंपाउंड विद, यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा, ब्यूटेन जो होता है वो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं, उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन या एल्कोहल? तो कीटोन याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, वाइल कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन हमारे नीचे से काले पड़ जाते हैं, क्यों? उसका क्या कारण है? बाहर की तरफ जो काले पड़ जाते हैं क्यों बन जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं? फ्यूल जो है खाना, फ्यूल इस मतलब फ्यूल इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, यानी फ्यूल ने खाना कम्प्लीट नहीं बनाया। दूसरा, फ्यूल कम्प्लीटली नहीं जला। तीसरा, फ्यूल हमारा गीला है, या फिर फ्यूल कम्प्लीटली जल गया। तो इसका सेकेंड आंसर होगा, फ्यूल हमारा कम्प्लीटली नहीं जला। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडर गो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन में आते हैं? तो आप एग्जाम आपको दिए हैं कुछ हिंट, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 या CH4। तो याद रखना है आपको, C3H6 है, C2H2 जो है विल अंडर गो एडिशन रिएक्शन, ये अंडर गो एडिशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए 1 नंबर के, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।